नमस्कार दोस्तों, आज आप मेरी वीडियो के दौरान जानेंगे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कर्ण को मारने के लिए। जानिए मेरी इस वीडियो के दौरान। आप सभी ने महाभारत के युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध माना जाता है। कहा जाता है यह युद्ध सत्य और असत्य के ऊपर हुआ था। क्या सही है क्या गलत है, इस महाभारत का युद्ध उसके ऊपर था। पांडव के बारे में आप सभी जानते हैं, उनके भाई युधिष्ठिर के मझले भाइयों के बारे में भी। महाभारत युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे यह युद्ध इतना प्रिय और बड़ा हो गया कि उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ ऐसी परंपराएं भी तोड़ने के लिए कहा जिसे तोड़ना अनिवार्य था। उन्होंने युद्ध को विजय कराने के लिए कुछ ऐसी परंपराएं भी तोड़ी। आप सभी जानते हैं कर्ण सूर्य के पुत्र हैं और उन्हें कवच और कुंडल ने सूर्य से ही मिले हैं। इसके कारण उन्हें बहुत सारी उपयोगी चीज़ भी दी हुई है। कहते हैं अपने कर्ण को कई नामों से जानते हैं, जैसे सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन कर्ण को तीन श्राप मिले थे। वो मिले उनके ब्राह्मण गुरु और उनकी पत्नी भूमि देवी जी से। कहते हैं उन्होंने झूठ बोलकर उनसे विद्या सीखी थी, तो उन्होंने एक श्राप ये दिया कि जब उन्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तब वह इस विद्या को भूल जाएंगे। उन्हें इस विद्या के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। यह उन्हें अपने ब्राह्मण गुरु से ही श्राप मिला था। कृष्ण ने इसी अवसर का फायदा उठाया और कर्ण को मारने के लिए कहा। आपके दिमाग में ये बात तो जरूर घूम रही होगी कि कर्ण को क्यों मारा गया। इस कहानी के बारे में आप जानेंगे। इस कहानी के बारे में भगवद गीता के दौरान भगवान कृष्ण ने यह पहले ही कह दिया, विजय पाने के लिए रास्ता जरूरी नहीं महत्व रखता, उसकी महत्वपूर्णता ज़्यादा जरूरी रखती है। भगवान कृष्ण का तो एक ही स्वार्थ था कि वह सत्य की स्थापना कर सके, जो सही है उसे सबसे पहले आगे लाए। तो इस अवस्था में सबसे पहला उदाहरण कर्ण की मृत्यु का ही था। कर्ण की मृत्यु इस कारण से भगवान कृष्ण ने कराई। और जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण की हत्या कर दी थी, इसके कारण पांडवों की विजय हुई। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया था। भगवान कृष्ण ने कर्ण को इसलिए मारने के लिए कहा, यदि वह नहीं मरते तो पांडवों की विजय अनिश्चित थी। उन्होंने कर्ण को निशस्त्र मार दिया। कहते हैं भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण ने पांडवों की विजय, यानी कि यह युद्ध दो परिवारों के बीच था। इस परिवार में सबसे पहले पांडवों का और दूसरा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को निशस्त्र मारने के लिए इसलिए बोल दिया क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली थे। अगर वह जीवित रहते तो पांडवों का जीतना अनिश्चित था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा उन्हें मृत्युदंड देने का तय किया। महाभारत में कर्ण को मारने का किसी के पास भी सही उत्तर नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अधर्म के साथ चले और अधर्मियों का साथ भी दे तो उसका सर्वनाश होना तो तय ही है। आप सभी जानते हैं जो धर्म का साथ नहीं देता, अधर्म के साथ चलता है, तो उसका उसे आगे जाके सर्वनाश होना ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को मारना ही उचित समझा, तभी जाकर महाभारत में पांडवों की विजय भी हुई। ये था वह कारण जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।